Hello students, good morning. How are you all? I'm fine. So student, today we are learn 4th chapter number 13, part 4, reverse journey. हम लोग ने question number 1 and 2 already complete कर लिया है ना? Do you know? Yes. So आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोटबुक फॉर सब्जेक्ट एनवायरनमेंट. ओपन इट. वेरी गुड. नाउ राइट डाउन फॉर न्यू पेज क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस. फिल इन द ब्लैंक्स in each sentence with an appropriate word. With an appropriate word. Now number 1. The river completes its journey when it meets the रिवर की जर्नी जहाँ पे ख़त्म होती है उसको, जहाँ पे मिलती है जर्नी जिसको, उसको क्या कहते हैं? सी. सो ब्लैंक आंसर आएगा सी. लास्ट में ब्लैंक मैंने देखो यहाँ पे ड्रॉ की है. मिट्स द, ड्रॉ द ब्लैंक एंड उसमें आंसर लिखना है सी. एस ई ए सी. ओके. Now next question number 2. River water is sweet, whereas river का पानी यानी नदी का पानी मीठा होता है. तो फिर दरिया के पानी कैसा होता है? सोल्टी. सो ब्लैंक में लिखना है सोल्टी. एस ए एल टी वाई. ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर 3. वेव्स आर सीन इन द सी व्हेन इट इज वेव्स आर सीन इन द सी व्हेन इट इज टाइड. टी आई डी ई. वेव्स यानी जो दरिए में जो वो मोजे उसको वेव्स बोलते हैं. वो बहुत आते हैं ना, तभी दरिया टाइड यानी सफोकेशन होता है वहाँ पे, बहुत सारा दिखता है. ठीक है. तो आंसर आएगा टाइड. टी आई डी ई. नाउ नंबर 4. River lake steam the smallest of the three is, answer is, draw the blank. आंसर में क्या आएगा? स्टीम. सो राइट डाउन इन ब्लैंक स्टीम. एस टी आर ई ए एम. नाउ नंबर 5. वी रिकॉग्नाइज रिवर्स एज ड्रॉ द ब्लैंक. ब्लैंक क्या आएगा? लोकमाता. सो लिखो लोक माता. एल ओ के एम ए टी ए. सो क्वेश्चन 3 कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. ट्रू और फॉल्स. नंबर 1. दे आर रिवर्स इन ईच विलेज. ट्रू या फॉल्स? False. So draw the box and question in the
box. Number 2. It is our duty to keep river. It is our duty to keep river water clean. Water clean. Now, this sentence true or false? True. So write Chan in the box. Now number 3. They are ebbs and tides. Ebbs and tides in a sea. True or false? True. So write Chan in the box. Number 4. Most of the rivers meet some sea. Kafi nadiyan darye ko milti hai. So write true or false? True. So write Chan in the box. Very good. Now next question. Question number 5. Lake water is cleaner than river water. True or false? False. So student, question in the box. So today we are learned for question 3 and 4. Aaj ka aapka homework hai ये क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपको आपकी नोटबुक में कंपलसरी लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ मिलेंगे. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.